बड़ा जरूरी काम है क्योंकि कल उसकी लास्ट डेट है। ठीक है लेखपाल साहब, लेखपाल साहब बिल्कुल भाली कम से कम आप गाड़ी निकलवा दो, गाड़ी निकलवा भैया, हम सोच रहे हमारे सामने लगा दो, कल लास्ट डेट है, कल कागज तहसील से नहीं भेजा निकलवा दे, भाली तुम गाड़ी निकलवाओ। पहले इन तस्वीरों को तसल्ली से देख लीजिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाथों में बियर की चार कैन लिए ये शख्स कार की तरफ बढ़ता है। ब्लैक कार में आगे की सीट पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं। हाथों में बियर की कैन पकड़े हुए शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के पास पहुंचता है। इसी दौरान पीछे की सीट पर बैठा एक शख्स कार से बाहर निकलता है। तभी बियर की कैन लिए शख्स कार में बैठे लोगों को बियर सौंप देता है और फिर कार के अंदर बैठे शख्स से कुछ बातचीत करता है। बातचीत से यह समझ में आया कि कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स लेखपाल है और बियर देने वाला शख्स उससे किसी रिपोर्ट को लगाने की गुहार लगा रहा है, तो कार में बैठा लेखपाल उसे भरोसा देता है कि बिल्कुल अभी रिपोर्ट लगा देते हैं। कौन सी बैंक निकाल दे रिपोर्ट अभी लगा दे अब बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी तुरंत लगा देने का, बड़ा जरूरी काम है क्योंकि कल उसकी लास्ट डेट है। ठीक है लेखपाल साहब, लेखपाल साहब बिल्कुल भाली बिल्कुल कम से कम आप लगा गाड़ी निकलवा भैया, गाड़ी निकलवा भैया, हम सोच रहे हमारे सामने लगा दो, कल लास्ट डेट है, कल कागज तहसील से नहीं भेजा निकलवा दे, तुम गाड़ी निकलवाओ। अब कहानी क्या है ये जान लीजिए। बदायूं जिले के दातागंज तहसील इलाके के गांव बेला डांडी का ये मामला है, जहां जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने युवक से रिश्वत में बियर की मांग की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल बियर लेते हुए देखा जा सकता है। दरअसल गाँव के ही रहने वाले बेरोजगार युवक सौरभ सिंह को रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करना था, जिसके लिए उसने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। प्रक्रिया में अड़चन आने के बाद उसने लेखपाल से संपर्क किया, लेकिन जल्दी काम करने के लिए लेखपाल ने 5 बियर की रिश्वत मांगी। रिश्वत इसलिए दी क्योंकि मैंने एक रेलवे में फॉर्म डालने के लिए सेंट्रल का जाति बनवाया था, उसका आवेदन किया था, तो कई दिनों से इनके पास चक्कर भी लगवा रहे हैं और जिनके लिए फोन भी नहीं उठाते हैं, तहसील जाओ मिलते नहीं है, और जब फोन पे किसी के द्वारा बताया गया कि वहाँ खड़े हैं, वहाँ उनको भेज दो, वहाँ हम गए तो वहाँ पता चला कि उन्होंने उनसे ये कहा कि 5 बियर ले आओ तब आपका काम कर सकते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मेरे पास बियर के लिए पैसे नहीं है, और वहाँ बाकी लोगों को लगा रहे तो मेरी भी लगा दी, इसका कल लास्ट डेट है 27, और मैंने इनको कल भी शाम कॉल किया कि मेरी सर कल लास्ट डेट है और लगा दीजिए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे जाति वाती ऐसे कुछ नहीं होता है, मुझे हड़का धमका के वहाँ से लगा दिया गया। फिर मैंने आज गए तब आज उन्होंने यही कहा कि 5 बियर ले आओ अभी लगा देंगे, मेरे सामने ये मजबूरी थी कि मेरा कल लास्ट डेट है फॉर्म का, इसलिए मैं 4 बियर लेके गया, तो उन्होंने 4 बियर की रिश्वत लेने के बाद मेरे जाति प्रमाण पत्र मेरे पे सामने ही रिपोर्ट लगा दी तुरंत, कहीं मैं बाकी काम नहीं करूँगा, आप रिश्वत दे 4 बियर की दीजिए, मैं तुरंत रिपोर्ट लगाऊंगा आपकी जाति पे। रिश्वत की इस मांग के बाद सौरभ ने मामले को उजागर करने की हिम्मत दिखाई और बियर लेते हुए लेखपाल का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसे उसने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला चर्चा का विषय बना, प्रशासन पर दबाव बढ़ गया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच समिति गठित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि SDM दातागंज का कहना है कि उन्होंने बियर की रिश्वत लेने वाले लेखपाल को जांच के बाद सस्पेंड कर दिया है।